हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं डेली खड़ी हो जाती हूँ। और आज है थर्सडे, आज है मेरा फास्ट और कल से है मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। मतलब परसों रात से मेरी तबीयत खराब बहुत ही ज़्यादा है और कल तो मेरे को हार कर टैबलेट लेनी पड़ी क्योंकि अस्थमा ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने दवाई ली लेकिन फिर भी कोई खास आराम नहीं हुआ और अब भी तबीयत बिल्कुल ढीली है। मतलब कुछ भी करने का मन नहीं है। मैं खड़ी हो चुकी हूँ, आते ही मैंने सबसे पहले पानी आ जाता है, मोटर को चला देती हूँ और चलाते ही क्या है, मोटर स्पीड पकड़ लेती है। और उसके बाद में मैं पहले काम करती हूँ आग जलाने का, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है तो आज मेरा व्रत है तो उसके लिए मुझे नहाना पड़ेगा। नहाने के लिए मुझे मतलब पानी गर्म करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं पानी गर्म करने का काम शुरू कर देती हूँ। मतलब इसमें आधा घंटा कम से कम लगता है जब जाके एक टंकी पानी गर्म होता है। मतलब इतना टाइम तो लगा रहा, 15 मिनट नहाने की, मतलब पौन घंटा। उसके बाद में मेरा काम अगला शुरू होगा। तब तक यह है मतलब मेरी सिर्फ नहाने का काम शुरू होगा। और देखिए मतलब लकड़ियाँ मोटी लगी हुई थी तो फटाफट आग लग जाती है, तो उसके अंदर पानी गर्म हो रहा। तब तक क्या है, मैं बाइक को धो देती हूँ क्योंकि बाइक हो चुकी है बहुत ज़्यादा गंदी, क्योंकि कल आटा पिसा के लाए थे तो उसके ऊपर आटा रखा था, तो उसके कारण क्या उसकी सीट वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। मतलब सब पे आटा आटा हो गया था, तो फिर मैं बाइक को धो देती हूँ क्योंकि पानी चल रहा था। और बाइक धोने के बाद में फिर मेरा पानी गर्म हो जाता है, फिर मैं पानी निकाल कर नहाने के लिए चल देती हूँ। मतलब इतना काम मैंने कर लिया है लेकिन तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है। मतलब कुछ भी कर रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। मतलब नॉर्मल सर्दी लगती वाली नहीं, बुखार वाली सर्दी लग रही है। और आज तो मैं दवाई भी नहीं ले सकती क्योंकि है मेरा आज फास्ट। देखिए आटा अभी तक टंकी में नहीं डाला क्योंकि रात को लेकर आए थे, तो गुन्नू के पापा के कल डलवा दूंगा, क्योंकि मेरे से अकेले से आटे का काम नहीं होता है। क्योंकि नंबर एक तो हैवी हो जाता है और दूसरा आटा मतलब वैसे भी मेरे को प्रॉब्लम करता है, और दूसरी मेरे अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी कल। मतलब कि कल डलवा दूंगा, कल ठीक हो जाएगी, देखते हैं दिन में होता है या नहीं होता है। लेकिन आटा भी वैसा का वैसा रखा हुआ। फिर मैं चढ़ा देती हूँ पहली बार की चाय को गैस के ऊपर, और आज चाय के अंदर सारा सामान डाल देती हूँ। चाय मतलब सिर्फ चीनी ऐड नहीं करती हूँ, चीनी करती हूँ मैं बाद में, क्योंकि मतलब मेरी पूजा पाठ कंप्लीट करूँगी तब तक क्या चाय बन जाएगी। दूध वगैरह सब कुछ डालकर मीडियम गैस के ऊपर करके आ जाती हूँ और फिर मैं सिला देती हूँ कोले, क्योंकि कोले मैं सुबह और शाम डेली सिलाती हूँ। बाइक वहीं के वहीं पर खड़ी हुई है क्योंकि गुन्नू के पापा इसको लेकर जाएंगे तो वहीं के वहीं पर है। ना मैंने उसको आगे किया ना मैंने पीछे किया, उन्होंने खड़ी की थी और वहीं की वहीं खड़ी हुई है। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ मैं अपनी पूजा पाठ की तैयारी के अंदर। मैंने सारा सामान डाल दिया है इस टाइम के ऊपर, मैंने मंदिर की ज्योत कर ली है और आ गई हूँ मैं मेरी क्या कहते हैं मतलब ये जो केले का पेड़ है इसकी पूजा करने के लिए, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन की जाती है केले के पेड़ की पूजा। तो उसके अंदर मतलब दिया लगा देती हूँ और जो जल होता है वो जल दे देती हूँ, और इसका बचा हुआ मतलब ज़्यादा नहीं रखती हूँ। कितना बताओ, एक आदमी घूट के अंदर ले इतना पानी रख लेती हूँ, क्योंकि वो है प्रसाद के रूप में सारे के सारे पी लेते हैं थोड़ा 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 करके। और इसके अंदर डाल रखी है मैंने तुलसी के बीज ताकि वो निकल जाए, और इसमें इम्यूनिटी का पौधा पहले था तो मतलब वो भी निकल जाएगा क्योंकि उसकी गांठ अभी हरी है। सूर्य देवता अभी तक निकले भी नहीं है अच्छे से और मेरी पूजा पाठ सूर्य देवता की हो गई है। इस साइड है मेरे इष्ट देवता जिनके को मैंने जल दे दिया। मतलब चाय सब ने पी लिया, मैंने मेरी छान कर रख रखी अभी तक नहीं पी है। मतलब इतना काम कर लिया अभी तक चाय भी नहीं पी है मैंने, और तबीयत में कोई सुधार नहीं निकल रहा क्योंकि नज़र कहाँ से आएगा, क्योंकि आज तो मैं दवाई भी नहीं ले सकती। तबीयत वैसे भी वैसे आज पूरे दिन ख़राब रहेगी और ख़राब तबीयत सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि दवाई नहीं ले सकती। फास्ट वाले दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो जाए। हाँ वोमिटिंग वगैरह होने लग जाए तब तो बात दूसरी हो जाती, तब तो लेना मजबूरी हो जाती है। लेकिन जहाँ तक मतलब सहन करने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब डांट खाती रहूँगी और फिर भी सहन करती हूँ। डांट ही इस बात की नहीं खाती हूँ कि क्यों कर रही है, इस बात की कि तू दवाई नहीं लेती है। अब बताओ दवाई मेरे लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ अस्थमा की हो जाती तब मैं ले लेती हूँ, जैसे कि कल अस्थमा की बहुत ज़्यादा हो गई थी तो रात को भी ली और दिन में भी ली, लेकिन आज तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि आज मेरा फास्ट। इतने सारे पौधे ठीक कर दिए थे, पोचा मेरा ऊपर का कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए सारी जगह लगा दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। और फिर दिखाती हूँ आपको आगे, इतने सारे कपड़े थोड़े गीले रह गए थे उनको वापस डाल दिया है तार के ऊपर कि धूप वगैरह निकलेगी तो ये सूख जाएंगे, और फिर धूप निकलगी तो आज करूँगी मैं प्रेस।
क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। और उसके बाद में मैं कर लेती हूँ मेरे लाडू गोपाल को तैयार, क्योंकि मेरी दोबारा की चाय का टाइम हो जाता है। बोले इतना प्रोसेस करती ना तब तक मेरी दोबारा की चाय का टाइम हो जाता है। देखिए मेरा लड्डू जी हो गए तैयार बिल्कुल। उसके बाद में मैं दोबारा की चाय बना कर लेकर आती हूँ और फिर बाबा जी को चाय दे देती हूँ। देखिए बिस्किट के साथ में दे दिए और दे दिए प्रसाद, लेकिन बिस्किट मैं नहीं खाऊँगी, मैं सिर्फ प्रसाद खाऊँगी। क्योंकि बिस्किट मतलब आज के दिन में मतलब कुछ भी अन्न नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं, आगे देखते हैं खाती हूँ नहीं खाती हूँ, लेकिन फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। और फिर मतलब ऊपर की मतलब दोबारा की चाय पीने के बाद में फिर आ जाती हूँ मैं नीचे और फिर करने लग जाती हूँ मतलब नीचे की सफाई। ऊपर की कंप्लीट हो चुकी है और नीचे की करनी शुरू कर दी है। देखिए रिजाई के कवर कल धो दिए थे तो उसके अंदर डाल दिए, मतलब दोनों के दोनों रिजाई के कवर अब भी डाले सुबह, मतलब उसका भी और इसका भी सब कुछ मतलब सेट करके मैंने दिया रख। और फिर मतलब बिस्तर वगैरह ठीक करने और फिर मैं लग जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए और चेष्टा बाबू को खाना खिलाने के लिए कि चेष्टा बाबू खाना खा लेगा। और मैं यहाँ से धोऊंगी, राख वगैरह निकाल कर डाल कर आऊँगी और यहाँ पर पोछा लगाऊंगी, तब तक चेष्टा बाबू खाना खाता है। मतलब चेष्टा बाबू फ़ोन के चक्कर में खाना बहुत धीरे धीरे खाता है और फ़ोन के बिना वो खाता नहीं है। मतलब उसको फ़ोन 100% चाहिए जब जाके वो मतलब कुछ खाती है। और ये देखिए मतलब और चीज़ें खा लेती है, फास्ट फूड वगैरह सब कुछ खा लेती है, रोटियाँ नहीं खाती है। प्रेस को लगा दिया है क्योंकि मेरे को प्रेस करनी है, धूप काफ़ी तेज़ है। और फिर देखिए सारी सफाई मेरी नीचे की कंप्लीट हो चुकी है, प्रेस को मैंने ऑन कर दिया है और कपड़े मैं लेकर आ गई। ये तो थोड़े से हैं, बाकी मैं बाद में लेकर आऊँगी। और ये देखिए सफाई हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट। चेष्टा बाबू गया हुआ पड़ोस में जो मौसी है उनके यहाँ पर, क्योंकि उनके यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई हुई है और उसी की उम्र की है तो उसके पास खेलने के लिए। और ये देखिए सब कुछ क्लीन हो चुका है, बाहर मेरे को धोने से मना कर रखा है तो मैं नहीं धोती हूँ। और ये देखिए सब कुछ साफ़। उसके बाद में करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों का प्रेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कम से कम 1.5 घंटे मतलब प्रेस के अंदर लग जाते, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे सब के कर दिए मैंने फटाफट प्रेस। चलो प्रेस का काम हो गया, घर का काम कंप्लीट हो गया, कपड़े मेरे को धोने नहीं, आज थर्सडे है, इतनी देर में आ जाता है मोटा चीमू और मोटा चीमू खा रहा है रोटी। मतलब उसको चेष्टा बाबू ने दिया था चिप्स, चिप्स वो नहीं खाता, वो सिर्फ रोटियाँ खा रहा है। हाँ चीमू नहीं छोड़ता, चीमू चिप्स खाता है रोटी नहीं खाता। इतने सारे कपड़ों के प्रेस की है मैंने। फिर मैं चाय लेकर आ जाती हूँ मेरी, बाबा जी को रोटी दे दी और चाय दे दी। ये है मेरी शाम की चाय और ये है मेरा रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया। मेरा लाडू जी सो गया, मतलब इस टाइम के ऊपर पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद मैं सुला देती हूँ। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं।